हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स क्लास में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको एक बेबी ऑयल के बारे में जिसका नाम है लिल स्पा, यानी लिटिल स्पा। तो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करता हूं मेरे इस चैनल मैथ्स क्लास को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को शेयर और लाइक कीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो कि लिल स्पा को मैन्युफैक्चर किया गया है प्रिस्टीन कंपनी ने। प्रिस्टीन कंपनी एक नेचुरल ऑर्गेनिक बनाती है, प्रोडक्ट्स बनाती है, जैसे कि उनके जो ऑर्गेनिक फूड्स होते हैं जैसे सेरेलैक होता है, वैसे ही ये बनाते हैं दोस्तों। जो इनका फर्स्ट बाइट काफ़ी फेमस है और नेचुराइज, ऐसे ही इन्होंने लिल स्पा बनाया है जो कि एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। दोस्तों, आप यहाँ पर बॉटल पे देख सकते हो क्लियरली कि ऑर्गेनिक लिखा हुआ है और ये ऑर्गेनिक बेबी मसाज ऑयल है दोस्तों। यानी यूजुअली ये क्वेश्चन होता है कि बेबी को मसाज ऑयल की ज़रूरत होती है, तो इसीलिए कॉमनली डाबर ऑयल यूज़ किया जाता है, लाल तेल यूज़ किया जाता है, या तो कभी कभी आपको ये भी यूज़ करनी पड़ती है जो कोकोनट ऑयल। दोस्तों, कंपलसरी नहीं है कि आपको मसाज करनी होती है, अगर आप ऑयल मसाज करते हो तो अच्छा रहेगा कि बच्चों को अच्छी ताकत मिलेगी, हीट वहीं पर रहेगी, गर्मी रहेगी, जिसके वजह से बच्चों को वज़न भी बढ़ता है। तो इसका कंटेंट्स है दोस्तों, ईच ml कंटेंट्स लक्षा, मंजिस्टा, काउज मिल्क, ओके, याद रखिए दोस्तों। और काफ़ी सारे इसके कंटेंट्स हैं जो कि मेंशन किया गया है, लेकिन ये आपको 100 ml का पैक मिल जाएगा 140 रुपीज़ में। आपको दिन में दो बार लगा सकते हो या एक बार भी लगा सकते हो, मसाज कीजिए, नेचुरल है, अच्छा है। लेकिन कभी भी याद रखिए, जब भी कोई नई प्रोडक्ट होती है जब लगाते हो बॉडी पर, तो रिएक्शन होना मुनासिब होता है, यानी हो सकता है, तो इसीलिए एलर्जी का ध्यान रखते हुए देखकर इस्तेमाल करें, कंटिन्यूस इस्तेमाल। अगर रैश होने लगते हैं तो प्लीज़ स्टॉप कीजिए, अपने डॉक्टर को दिखाइए, फिर आप चेंज कर सकते हो। तो दोस्तों, ये जो इसके अंदर जो होता है दोस्तों, इसका जो स्मेल दिया गया है लेवेंडर ऑयल का, यानी एक अच्छी सी स्मेल है जो कि आपको भी अच्छी लगेगी। और इसके अंदर जो लिक्विड पेट्रोलियम जेली नहीं है दोस्तों, जिसकी वजह से वो सॉफ्टनेस के लिए ऐड किया जाता है, दूसरे प्रोडक्ट्स में होता है, यहाँ पर वो ऐड नहीं किया गया है। यानी ये अच्छा ऑर्गेनिक नेचुरल होगा जो कि आपके बच्चे को काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा। दोस्तों, अगर आपने यूज़ किया तो बताइए कि आपने क्या देखा है, आपके क्या कमेंट्स हैं। ओके, तो चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।